हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज सावन का पहला सोमवार है, तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ब्लॉग शेयर करूंगी, तो ब्लॉग को पूरा ही देखिएगा। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हम लड्डू गोपाल जी से कर रहे हैं। तो गोपाल जी ने देखे आज ग्रीन कलर की ड्रेस पहन रखी है, और पूजा करने के लिए हम कहीं और मंदिर में नहीं जाएंगे क्योंकि कोविड है, तो हम कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, और पीहू छोटी है तो पीहू को लेकर कहीं भी नहीं जाएंगे। तो व्रत के लिए पूजा करने के लिए देखिए पूजा की थाली मैंने तैयार कर ली है। तो हमारे पार्क, घर के सामने पार्क है, उसमें ही मंदिर है, तो हम वहीं पर जाएंगे। तो और पूजा की सामग्री बेलपत्र और सब कुछ तो हमने ले लिया था। तो चलिए हमारे जो गार्डन में शनि का पेड़ में फूल निकले हुए उसको भी ले लेते हैं, और शनि के पत्ते भी ले लेते हैं, तो इसको भी शंकर जी को चढ़ाया जाता है। तो मंदिर में देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं, और सबसे पहले पीहू पूजा करेंगे। तो आज देखिए आज सभी लोग सावन के सोमवार में शंकर जी की पूजा करने ज़रूर आते हैं मंदिर में। तो देखिए कितना ढेर सारा पूजा सामग्री चढ़ी हुई है। तो ब्लॉग में आप लोग इसी तरीके से बने रहिएगा, आगे मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छा ब्लॉग शेयर करूंगी, तो ब्लॉग को पूरा ही देखिएगा। इस मंदिर का वीडियो पहले भी मैंने अपने पूजा रूटीन में शेयर किया है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और मंदिर में शंकर जी के अलावा माँ संतोषी की भी मूर्ति है और हनुमान जी की भी मूर्ति है। तो चलिए आप शंकर जी को जल चढ़ा देते हैं और पूजा कर लेते हैं, क्योंकि आज हमारा व्रत है। तो आगे मैं पूरा रूटीन आपको साथ आज शेयर करूंगी, तो ब्लॉग को पूरा ही देखिएगा। और शंकर जी को भांग, धतूर, बेलपत्र के अलावा व्हाइट कलर का फूल चढ़ाया जाता है, और फल भी चढ़ाया जाता है। तो आज देखिए कितना ढेर सारा यहाँ पर पूजा सामग्री चढ़ी हुई है, क्योंकि आज सभी लोगों ने पूजा की हुई, और आज सावन का पहला सोमवार है। तो ये देखिए नंदी जी, इनके भी आप लोग दर्शन कर लीजिए। और ये मंदिर बहुत ही अच्छा बना हुआ है, तो हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, हम लोग इसी मंदिर में आके पूजा कर लेते हैं। तो चलिए अब सभी भगवान की पूजा करने के बाद फिर आरती भी कर लेंगे हम लोग। तो चलिए सबको अब फूल चढ़ा देते हैं। तो आज सावन का पहला सोमवार है, तो बहुत से लोग आज मंदिर भी गए होंगे, तो कौन कौन मंदिर गया था मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए पीहू भी पूजा कर रही हैं, और पीहू का पूजा करने में बहुत ही मन लगता है, और बहुत अच्छे से पूजा करती हैं। तो चलिए अब भोले बाबा की आरती भी कर लेते हैं। और शंकर भगवान की आरती करने के बाद आगे हम हनुमान जी की और माँ संतोषी की भी आरती करेंगे। आरती करने के लिए घी का दिया जलाया है हमने, तो अब देखिए हनुमान जी की भी आरती कर लेते हैं और माँ संतोषी की भी आरती कर लेते हैं। और उसके बाद सभी भगवानों के हम पैर छू लेंगे, और पैर छूने के लिए हम लोग हमेशा अपने जो आँचल होता है उसको पकड़ के ही छूते हैं, जिनकी भी शादी हो जाती है, हमारा इंडियन कल्चर है। तो देखिए अब हम घर भी आ चुके हैं, और आज सोमवार का व्रत है, तो सभी औरतें और स्त्रियाँ जो होती हैं वो 16 श्रृंगार भी करती है। तो देखिए श्रृंगार करने के लिए सबसे पहले हम आज पैर में आलता लगाएंगे। तो आलता लगाने के लिए देखिए इस तरीके से इसमें ब्रश बना होता है, उससे लगाएंगे। तो आज सभी लोग सभी जितनी भी स्त्रियाँ औरतें हैं वो आलता जरूर लगा रही होंगी। और बहुत अच्छा तो मुझे लगाना नहीं आता, थोड़ा ये जैसा भी लगाना आता है वैसे मैं लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए इसका कलर कितना अच्छा लगता है। और आज जो भी हमारे यहाँ व्रत होते हैं तो उसमें स्त्रियाँ इसको ज़रूर लगाती हैं, तो ये हमारा इंडियन कल्चर है। और पैरों में आलता लगाना तो 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार माना जाता है। तो चलिए इसी तरीके से हम दोनों पैर में आलता लगा लेते हैं। पहले मैं आलता तो मैंने लगा लिया था, तो चलिए इसको थोड़ा सा डिज़ाइन भी बना लेते हैं। और इस आपको ये डिज़ाइन पसंद आए कि नहीं मुझे बताइएगा। बहुत अच्छा तो नहीं लगाना आता, लेकिन जो भी सिंपल था मैंने लगा लिया। और हाथों में आज के दिन सभी औरतें, जो आगने औरतें, हरी चूड़ियाँ जरूर पहनती हैं। तो देखिए आज के दिन मैंने और मम्मी ने भी हरी चूड़ियाँ पहनी है, और ये प्लेन ही है क्योंकि मुझे प्लेन चूड़ी पसंद है। तो व्रत है, तो चलिए अब कुछ खा भी लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन चिप्स और पापड़ मैं आज के दिन खाऊँगी, क्योंकि बहुत से लोग नमक नहीं खाते हैं, लेकिन नमक हम यूज़ करते हैं खाने के लिए। तो चिप्स और पापड़ तल लेते हैं, और चाय भी बना लेते हैं, और चाय हम अदरक वाली बनाएंगे। तो इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। तो चलिए चाय अब बना लेते हैं, और चाय थोड़ी ही बना रहे हैं क्योंकि सिर्फ मेरा ही व्रत है। तो व्रत की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिलेगी, उसमें मैंने कुट्टू के आटे की पकौड़ी बनाई थी, और साबूदाने कि जो खिचड़ी बनती है उसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। तो आज और कोई खास रेसिपी नहीं आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी, सिर्फ चिप्स और पापड़ तले हैं मैंने सुबह खाने के लिए, और इसके साथ हम चाय पियेंगे। और हम नमक का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे बीपी की दिक्कत है, तो
नमक नहीं खाते तो तबीयत खराब हो जाती है। तो देखिए चाय भी बन चुकी है और चिप्स पापड़ भी तल चुके हैं। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखिए हाथों में रंग लग गया है रंग लगाते समय। तो मिलते हैं।